मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है फ्री फायर में यार, नहीं कोई क्लिक बेट नहीं है यार, ना ही कोई ऐसा सीन होने वाला है कि वीडियो के एंड में मैं फिर आप लोगों से कहूं कि भाई प्रैंक हो गया, कैमरे की तरफ हाथ हिला दीजिए। सच में यार मेरे साथ फ्री फायर में कुछ ऐसा हुआ है ना कि जितना मैंने सर्च किया है कि और लोगों के साथ हुआ या नहीं, एंड और लोगों से पूछा भी कि भाई आप लोगों के साथ ऐसा हुआ कि नहीं, किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ था। सो हैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड। एंड इस रिकॉर्ड से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को पता है क्या है? वो रिकॉर्ड ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, लेकिन ना मुझे पता था ना आप लोगों को पता था। तो चलिए जरा पास में जाते हैं एंड इस वर्ल्ड रिकॉर्ड की कहानी में आपको सुना। तो ये कहानी स्टार्ट होती है जुलाई 2020 यानी आज से 2 साल पहले, जब कालाहारी मैप का दौर चल रहा था यार। लाइक फ्री फायर में पहली दफा कोई ऐसा अपडेट आया था, हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि न्यू मैप आया हुआ है, एंड हर कोई कालाहारी खेल रहा था, रैंक पुश भी उसी में हो रहा था, एंड बहुत मजा आ रहा था यार तब। ये तो बाद में लाखों अपडेट्स के बाद कालाहारी बहुत ज्यादा लैग शुरू हो गया था कालाहारी में, तो हम सब ने डिलीट कर दिया। एनीवे रैंक गेम प्ले की बात होगी यहां पे, मेरे दोस्त रैंक पुश कर रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप भी हमारे साथ खेले, तो मैंने कहा ठीक है खेल लेंगे। याद रखना दोस्तों मैं रैंक की बात कर रहा हूँ, कस्टम रूम की नहीं। आप देख सकते हैं तीनों कनेक्ट एकदम एक ही टाइम पे चला गया है, एंड आगे भी कुछ ऐसे काम होने वाले ना कि मैं भी हैरान रह गया था एंड आप भी हैरान हो जाओगे। नाउ आई नो कि बहुत सारे लोग शक कर रहे होंगे कि भाई ये स्क्रिप्टेड भी तो हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट मी इन तीनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, ना तो ये कुछ इस तरह दोस्त थे कि एक ही रूम में बैठ के खेल रहे थे, ना कुछ ऐसा सीन था कि एक ही इंटरनेट यूज कर रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट शुरू में मुझे भी कुछ ऐसा ही फील हुआ था कि भाई ये तीनों मेरे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे, लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ ना कि फिर मेरे भी समझ से बाहर हो गया था कि भाई हो क्या रहा है। अच्छा मेरा ध्यान ज्यादा गया नहीं इन तीनों पे, मैंने कहा बस चलो गेम शुरू करते हैं, हो गया होगा कुछ यार। फिर ये काम शुरू हो गया, सबके सब इलिमिनेट होते जा रहे थे, इलिमिनेट, पूरा मैप खाली हो रहा था यार, एंड सारे के सारे इलिमिनेट यार। मेरा दिमाग काम छोड़ गया था, मैंने कहा भाई हो क्या रहा है यार। अगेन ये रैंक गेम की बात हो रही है, कस्टम रूम की बात नहीं हो रही। एनीवे सारे के सारे इलिमिनेट हो गए थे और सिर्फ 5 बंदे मेरी तरह खुशकिस्मत थे कि वो रह गए थे। पता नहीं क्या हुआ था यार, रैंक गेम प्ले से सारे के सारे इलिमिनेट हो गए थे। एनीवे मुझे जब फिर बंदा मिला तो सिर्फ 3 ही बंदे अलाइव थे, एंड ये बदकिस्मत मेरे सामने ही जिपलाइन में पकड़ा गया, तो मैंने तो उसे उड़ा दिया। फिर दूसरा बंदा जब मुझे मिला तो वो भी भाग रहा था, डोंट नो व्हाई, तो उसको भी मैंने खत्म कर दिया। अब 1v1 सिचुएशन हो गया था, एंड मैं पूरा कॉन्फिडेंट था कि भाई बुआ तो करूंगा ही करूंगा, बट जैसे ही मैं पहुंचा यार मैंने डबल टैप मारा एंड मिस कर दिया यार, एंड सीधा उसका डबल टैप मेरे सीने के आर पार हो गया एंड मैं मर गया। अभी मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं दोस्तों कि ये रैंक मैच था, कस्टम रूम नहीं, सिर्फ उन खलाई मखलूक के लिए जो कि हर वीडियो के कमेंट में लिखते हैं कि भाई दिस इज स्क्रिप्टेड। आप देख सकते हैं दिस इज अ रैंक मैच एंड हेंस द मोस्ट नंबर ऑफ एलिमिनेशन इन सिंगल रैंक मैच का बना ये रिकॉर्ड। राइट वाली वीडियो क्लिक कर दोस्तों, पाक वर्सेस इंडिया 4v4 गेम प्ले देखने के लिए। इंडिया ने वंस अगेन हैकर का इल्जाम लगा दिया था पाकिस्तानी टीम पर, सब क्राइम नहीं किया तो वो भी काइंडली कर दे। 155K के लिटरली हम बहुत ही ज्यादा करीब है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड विद दैट सेड अल्लाह हाफिज।